राजस्थान में रोशनियों का त्यौहार दिवाली परंपरागत उत्साह के साथ मनाया गया। सरकार की ओर से पाबंदी की वजह से लोग पटाखों से दूर रहे, हालांकि दिन में बाजारों में खूब भीड़ देखी गई। कोरोना वायरस महामारी के बीच राज्य सरकार द्वारा पटाखे जलाने और पटाखों की बिक्री पर लगाए गए रोक के चलते इस बार राजधानी जयपुर सहित अन्य शहरों में पटाखों की आवाज़ें नहीं सुनाई थी। अजमेर भी सुनासाना रहा। इस बार पटाखों की दुकानें भी नहीं लगी। सरकार भी लोगों को पटाखे नहीं जलाने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। वही शनिवार को दिवाली के दिन विशेषकर मिठाई और पूजा सामग्री की दुकानों पर खूब भीड़ रही। कई जगहों पर लोग सामाजिक दूरी सोशल डिस्टेंसिंग पर ध्यान नहीं देते हुए नजर आए। इससे पहले दिन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनता को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए इस बात पर खुशी जताई कि धनतेरस छोटी दिवाली पर लोगों ने पटाखे नहीं जलाए। उन्होंने ट्वीट किया, मुझे इस बात की खुशी है कि धनतेरस छोटी दिवाली पर जिस तरह से सभी ने सहयोग दिया और पटाखे नहीं जलाए बल्कि दीपक जलाकर उत्साह से पर्व मनाए। मैं चाहूँगा कि आज भी सभी सहयोग करें, दीपावलियों की खुशियाँ परिवार के साथ मनाएं, भीड़ भाड़ से बचें और आतिशबाजी न करें। हालांकि पटाखे और फुलझड़ियों पर प्रतिबंध से बच्चे निराश दिखे। दिवाली पर घरों में खूबसूरत और आकर्षक रंगोली सजाई गई, साथ ही रोशनी भी की गई। राज्य देश दुनिया की सारी खबरें सबसे तेज जानने के लिए जुड़े रहिए आंखों देखी के साथ, और साथ ही हमारा फेसबुक पेज आंखों देखी राजस्थान को फॉलो करना भी ना भूले। धन्यवाद।